गोद भराई रस्म, क्या आप प्रेग्नेंट है तो जान ले कैसे करवानी है आपकी गोद भराई। हमारे देश के कई हिस्सों में डिलीवरी से पहले गर्भवती महिला की गोद भराई की रस्म की जाती है। आपने भी गर्भावस्था में होने वाली इस रस्म के बारे में सुना तो होगा ही, लेकिन हर धर्म और हर शहर में अलग अलग तरह से गोद भराई की रस्म की जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि गोद भराई की रस्म क्यों, कैसे और कब की जाती है? अगर आप इन सारे सवालों का जवाब चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। गोद भराई एक रीति होती है जिसमें गर्भवती महिला को खूब आशीर्वाद और प्यार दिया जाता है। नए मेहमान के परिवार में आने की खुशी में भी यह रस्म की जाती है। देश के अलग अलग हिस्सों में इस रस्म को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे बंगाल में साग, तमिलनाडु में वलई कप्पू और केरल में सिमाधम के नाम से यह रस्म मनाई जाती है। भारत में आमतौर पर प्रेगनेंसी के सातवें महीने में गोद भराई की जाती है। हालांकि कपल्स अपनी मर्जी से यह निर्णय ले सकते हैं कि गोद भराई कब करनी है। आप जब भी इस रस्म को करें तो बस उसमें अपने धर्म और संस्कृति के अनुसार रीतियों का पालन जरूर करें। यह रिवाज प्रेग्नेंट महिला के लिए होती है, इसलिए इस रिवाज में महिला का मायका और ससुराल दोनों पक्ष शामिल होता है। सभी दोस्त और रिश्तेदार माँ और बच्चे को प्यार और आशीर्वाद के साथ साथ बहुत सारे तोहफे यानी कि गिफ्ट भी देते हैं। घर में होने वाली इस गोद भराई की रस्म में एक छोटी सी पूजा भी होती है। रिश्तेदारों और दोस्तों को भोजन करवाया जाता है। प्रेग्नेंट महिला के हाथों में मेहंदी लगवाई जाती है। गोद भराई के दिन एक बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए, यह रस्म प्रेग्नेंट महिला के लिए और उसके बच्चे के लिए की जा रही है, तो सभी कुछ महिला की पसंद का ही होना चाहिए। उन्हें खूब सारा प्यार दे, आशीर्वाद दे, तोहफे दे, ताकि वो और उनका बच्चा स्वस्थ रहे। देखने के लिए धन्यवाद।